दोस्तों मैं सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर बी डे में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज है दोस्तों 26 मई आज हम लोग पढ़ने वाले करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन 26 मई के ठीक है तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ गलती रह गई हो कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टडी और नॉलेज करा इस वीडियो में और कुछ भी नहीं है तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की तो इसका आंसर हो जाएगा एक हज़ार करोड़ रुपए। तो इसको फिर से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के एक हज़ार करोड़ रुपए के लिए राहत पैकेज की घोषणा की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया वो राज्य है झारखंड ठीक है झारखंड में इनका निधन हो गया राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में जो कि झारखंड में है वहाँ इनका निधन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है तो ये है तेईस मई को यानी कि कल मनाया जाता है कछुआ दिवस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिस देश ने जिस देश की निजी इंक्विटी कंपनी के, -के ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर आई एल के जियो प्लेटफार्म में हाल ही में ग्यारह हज़ार तीन सौ सड़सठ करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया तो वो है अमेरिका की कंपनी है ये तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं जिस देश की यानी कि अमेरिका देश की निजी इंक्विटी कंपनी के के आर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि आर आई एल के जियो प्लेटफार्म में हाल ही में ग्यारह हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एम एस एम ई एस क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम किया। तो वह राज्य सरकार कौन सा है आंध्र प्रदेश तो इसको एक बार फिर से देखें वह राज्य सरकार यानी कि आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्रों को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए जितने करोड़ रुपए के लिए राहत पैकेज की घोषणा की तो इसका जवाब हो जाएगा 500 सौ करोड़ रुपए अभी आपने ऊपर पढ़ा था एक और देश था बंगाल जिसमें उन्होंने एक हज़ार करोड़ रुपए दिया था और ये उड़ीसा है इस इसने इसमें इन्होंने पाँच करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा है विश्व बैंक ने जिस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंध के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया तो उनका नाम है आभास झा विश्व बैंक ने जिस भारतीय यानी कि आभास झा अर्धशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के लीजेंट हॉकी खिलाड़ी और जितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के कारण 25 मई 2020 को निधन हो गया तो ये तीन बार इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने कोरोना वायरस यानी कि कोविड नाइन्टीन से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की तो ये बैंक है केनरा बैंक केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी लेन को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में वह देश जो दो महीने के बाद जो दो महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीआई का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया तो वो है भारत देश अपना भारत देश और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज के करंट अफेयर में इतना ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इसमें स्टडी और ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग